हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ओलंपिक से भारत को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। कल शाम को पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल पे कब्जा कर लिया है। 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिंधु ने सिल्वर जीता था, वहीं 2020 टोक्यो ओलंपिक में उनके नाम पे ब्रॉन्ज मेडल आया है। इनके अलावा कल हॉकी में मेंस टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और वुमेन्स हॉकी टीम ने आज इतिहास रचते हुए पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाई है। बात करें कमलप्रीत कौर की, तो कमलप्रीत कौर ने भी डिस्क थ्रो में फाइनल में जगह बनाकर अलग इतिहास रचा है। बात करें पीवी सिंधु के स्ट्रगल जर्नी की, तो उनकी स्ट्रगल लाइफ वैसी है जैसी हमें अपने पापा लोग अपनी बताते हैं, जो ये बताते थे कि कैसे वे नदियां, दरिया और समुद्र पार करके स्कूल जाया करते थे। लेकिन सिंधु की कहानी सच है, ऐसे एक फेलियर की वजह से बन गई वर्ल्ड चैंपियन। आइए आपको बताते हैं। 2015 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में बाहर हो जाने के बाद में पीवी सिंधु बहुत निराश थी, पर उनके कोच पुलेला गोपीचंद को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गोपीचंद ने पीवी सिंधु के ऊपर लगे सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिए और वो जो चाय खा सकती थी, रात को जितनी बजे तक चाय पार्टी कर सकती थी। सिंधु ने हार के बाद कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में अपनी बहन दिव्या के साथ गुजारे, लेकिन जैसे ही वो इंडिया वापस आई, उनके कोच गोपीचंद सर ने उन्हें एक लेटर थमा दिया। लेटर में अगले 8 महीने तक सिंधु क्या कर सकती थी और क्या नहीं, यानी डूज एंड डोंट्स लिखे हुए थे। उनमें से एक क्लोज यह था कि 20 साल की सिंधु मोबाइल यूज नहीं करेगी, और यह बात तो सभी को पता है कि हमारे तेजस्वी युवा लोग मोबाइल से कितना प्यार करते हैं। अरे, उनको ऑक्सीजन नहीं दो तो भी चल जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल के नहीं। पीवी सिंधु को लगा कि उनके कोच आके कहेंगे कैसा लगा मेरा मजाक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोच ने सिंधु को क्लियर कट वार्निंग दी थी। सिंधु भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थी, क्योंकि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गोपीचंद सर ने न केवल सिंधु को तैयारी करवाई बल्कि खुद भी एक रूटीन फॉलो किया, क्योंकि उनके बीमार होने का सीधा मतलब यही था कि सिंधु की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। 2016 में रियो ओलंपिक आते आते सिंधु बिल्कुल फिट हो चुकी, लेकिन ओलंपिक में फिट होने से मामला हिट नहीं होता। प्रेशर हैंडल करना भी एक आर्ट होती है, और अपना पहला ओलंपिक खेलते हुए सिंधु अपना पहला मैच हार गई थी। दूसरे मुकाबले में भी अपना पहला सेट हार के पीछे चल रही थी, और कोच गोपीचंद सर का सपना वैसे ही टूट रहा था जैसे चकदे इंडिया में कोच कबीर खान का टूटा था। खुद सन 2000 में ओलंपिक हारने के बाद गोपीचंद ने यही सपना देखा था कि अब वो कोच बन के ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन सिंधु ने भी अपने कोच का सपना टूटने नहीं दिया। वापसी करते हुए न केवल मैच को जीता बल्कि ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाकर कोच का सपना साकार किया और साबित कर दिया कि कोच होता है। टोक्यो ओलंपिक्स में कोरोना के बीच उनकी तैयारी करवाने वाले उनके कोच पार्क ताईसांग भी उनकी जीत पर भावुक हो गए थे। उनका जोश देखने लायक था, इसीलिए तो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच और मेडल जीतने के लिए अच्छा कोच बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा पेट अभी भरा नहीं है। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल के लिए पीवी सिंधु को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक देश की बेटी के नाम।